सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मानी आपकी बेटा ईद पे क्या करती है? अल्लाह मानी है तो बहुत बात है। एक बात है कि मेरी फेवरेट शीर खुरमा है, खीर थी फिर शीर खुरमा थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं उनके घर में मैं हमेशा वहीं हम ईद के पहले दिन जाते थे, अब वो यहाँ पे होते नहीं है, तो वो हैदराबाद दक्कन का शीर खुरमा होता है। अभी ये ऐसा शीर खुरमा होता है जो कि गर्म होता है, नॉर्मली खीर ठंडी होती है, ये गर्म रहता है। ये देखा जो बड़ा वाला चढ़ा होता है इसके अंदर गर्म, बार बार गर्म करके, अगर आपके घर गैस आ रही है तो गर्म रहता है। इतना बड़ा देखचा बनाती हूँ मैं सना, सोचे हाँ वो मेहमान बहुत आते हैं हमारे घर में ना। आपके घर में क्या हिसाब किताब है? शीर खुरमा बनता है लेकिन लेकिन एक चीज नॉर्मल, हमारी माएं थी आपस की बात है, वो बहुत जबरदस्त खाना भी बना देती है। बस वही माँ मेरे अंदर भी आप पाएंगे, कभी आप घर आए मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, बहुत अच्छा शीर कोरमा पका के आपको प्रॉपर नोट करता है, इनको ठीक कर लिया। देखिए मैं बाहर का नहीं खाता, जब से एयरवेबिक शो आता है इकरार का, उसके बाद तो मैंने खाना ही बंद कर दिया। वो एक शो नहीं दिखा था, एक जाली घी के डब्बे मिले तो फलाम यार, ये ऐसे शो शो के बाद आपसे कैसे खाया जाएगा? पता नहीं इकरार के घर में क्या खाते हैं लोग। तो सर आप बता रहे थे वो अम्मी वाले जिक्र कर रहे थे, देखो माओ के हाथ का जो खाना होता है वो आप लोगों को याद नहीं आता है? अल्लाह मियां आपकी माओ को सलामत रखे, जिन लोगों की नहीं है ना इस वे वो वाला मजा नहीं आता है। तो एक तो मुझे ईद वाले दिन अपनी माँ बहुत याद आती है, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी लर्न करें और इस तरह के मैसेजेस भी दिया करें कि जो लड़कियां हमारी हैं जितनी भी, वो अच्छी कुकिंग लर्न करना कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हस्बैंड्स की कि उनको अच्छा शीर खुरमा मिल रहा है। वही बात है ना, अपनी तारीफ खुद ही करें, ये बात दोबारा से करें, ये दोबारा बोलने जरा आखिरी लाइन जो आप, ये आखिरी लाइन है, बीबियों को क्या करना चाहिए? बीबियों को अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए। इधर इधर कुछ है ड्रामा यार, इस प्रोडक्शन वाले अड्डा मार्केटिंग घर के करीब है, और वहाँ के सब बेटे को जानते हैं, क्योंकि ये हर थोड़ी देर बाद शाम को 7-8 बजे के वहीं होते हैं, वहीं से खाना आता है ना। अभी पूछोगे इसको घर का खाना पसंद है कि नहीं? पसंद है भाई, इसकी मदर ही खाना बनाती है। भाई मेरी मदर आती है तो मैं खाता हूँ घर में, वो नहीं होती तो सास मेरी खाना बनाती है अभी तक। जी मेरी सास जो है वो मेरी की माँ ही खाना, आप भी बनाती है घर में खाना? क्यों नहीं आती लेकिन मैं सीखूंगी इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आता भाई और से काम कर देते हैं, लेकिन फखर डजंट लाइक मी टू गो इन द किचन। ओह माय गॉड दैट्स ग्रेट फखर, फखर कितने अच्छे हैं आप, मानी सीखो कुछ फखर भाई को। तुम यार मैं क्या करूं यार, मुझे भी मैं क्या करूं यार, इतना तुम्हें पता है मेरे पे मैं भी जाता हूं क्यों नहीं किचन में जाकर रोकता हूं। छिकली छिकली नहीं, बच्चा पूछे टाइम अगर ये किचन में लगाएंगी तो मैं किधर चलूं भाई। तालियां प्यार प्यार, थैंक यू। उन्हें ये जो किन्नू है जाली सा, इसको अब ये करेंगे ये, क्योंकि हमने कहा कि कुछ गेम गेम के बगैर तो भाई इसका शो कमाल मैंने मुझे बताया था 4 साल पहले गेम वगैरह स्टार्ट किए थे अपने शो जो हम करते थे हेरा में एक साथ, तो उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि सब शो में होंगे, तो ये क्रेडिट मैं खुद ही ले लेता हूँ, लेकिन ये मैंने अभी याद किया बैठ के। ये चेक आपको बहुत सारे वाइट भी है, मेरून कलर का भी है, यहाँ रेड कलर का भी है, तो अगर जब आप फेंकेंगे इस पर ये रुकेगा तो ना, अरे रुक गया कहीं तो रुकेगा, हाँ रुक गया। अगर व्हाइट पे रुका तो आपने वो करना जो हम आपको कहेंगे, हाँ। अगर रेड पे रुका तो कुछ सच बोलना है, हाँ। अपने बारे में ऐसा अभी सही ना, अभी बैठे बैठे आइडिया आया है। ट्रूथ एंड डेयर खिला रहे, लेकिन पता कैसे लगेगा? ट्रूथ एंड डेयर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है अबरार भाई। अरे तू यहाँ से कर, खवातीन से हमेशा आप ओह माय गॉड, सना को तुमने मानी नाराज कर दिया मेरी सना को। सना भी वाकई में एक एक्टर जैसे नाराज होती है। एक सेकेंड, वाइट पर आया है, वाइट पर आया तो तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, हम बताएंगे ना, सना को मनाओ, चलो वाह मेरे भाई खड़े हो जाओ। मेरे भाई आपकी बेगम मेरे किसी एक जुमले से नाराज हो गई है। उनसे कहे भाई बहुत अब
पब्लिक देख रही है, वो देखती है। हमें उनको मनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये काम मेरे पे छोड़ दे, मैं तो करता रहता हूँ। तो जाए तो फिर गाना हो जाए। हाँ गाना उठे हो तुम यार, ये गाना जाता नहीं। आप यही अभी ये पूछ रहे हैं, आप लिखेंगे? ओके नहीं भाई, फकर मान गई हमारी। मैं कह रही हूँ फकर गाना, फखर खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। आपकी सोच है मारे फखर भाई। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं आग दिल में लगा के कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाई होगी, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाई होगी, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। तो मैंने तो कर लिया ना। अच्छा, मधिया ने नादिया ने कर लिया। अब मधिया की चार्ज चले। मधिया कम ऑन, 1 2 3 ये बैठे बैठे गेम हो रहा है मानी, खड़े होके तो गेम हो रहा है। सना को लग से फेंकने दो जरा, इतना थका फेंका। चलिए सच बोल रही हूं, सच बोला है मधिया आपने। क्या सच? आखिर जब आप इस टेलीविजन स्टार ने फ्लर्ट करने की कोशिश किया और आपने रिजेक्ट कर दिया। आंखें किसकी तरह है ना।